नमस्कार, जेजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनिया, वीडियो जर्नलिस्ट रुस्तम सैनी के साथ। इस समय हम खड़े हैं मिनी बाईपास पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सफाई की जा रही है। वहीं पर जैसे सभी को पता है कि 4 तारीख को सीएम खट्टर यहाँ पर सिरसा में पहुँच रहे हैं, कार्यक्रम रखा गया है। वहीं उनके आने से पहले यहाँ पर सफाई इतनी अच्छी ढंग से की जा रही है कि पूरे शहर को चकाचौंध बनाने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से झाड़ू लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे जो फालतू की जो घास फूस है या पत्तियां हैं उस तक को उखाड़ा जा रहा है और मिट्टी का एक भी कण छोड़ने की बात हो रही है कि कुछ भी यहाँ पर ना बचे सीएम खट्टर को दिखाने के लिए। क्या यह रूटीन में नहीं हो सकता? यह सिर्फ उनके आने से पहले की यह सिर्फ एक व्यवस्था की जा रही है, ये तो देखने वाली बात है। तैयारियाँ बड़ी अच्छी चल रही है। 50 सफाई कर्मचारी आज लगाए हैं इस विषय इस काम के लिए, और एक JCB लगाई है, एक ट्रैक्टर से ठेकेदार का लोडर लिया है। जो मेन रोड है उस पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अब एक देखे इसको 5 तारीख तक ऐसे लगे रहेंगे। अब मेरा हवाई अड्डे के सामने वहाँ पर JCB लगी हुई है, 25 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, 30 सफाई कर्मचारी JCD गेट के सामने अब जहाँ खड़े यहीं लगे हुए हैं, सुरखाव चौक पर भी लगे हुए हैं, अनाज मंडी के जहाँ पे VIP आना वहीं वहाँ पर आज सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम शहर को नीट एंड क्लीन कर देंगे। नहीं, सफाई तो होती है, परंतु सफाई कर्मचारी कम होने या पूर्ण रूप से नहीं हो पाती कि बारिश आने की वजह से थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो गई थी। नहीं तो शायद बारिश ना आती तो हमें और सफाई कर्मचारी ना लगाने पड़ते, ये बारिश की वजह से ज़्यादा गंदगी होगी। बिल्कुल ऐसी ही रहेगी आगे भी। जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से सफाई की जा रही है सीएम के आने को लेकर के, वहीं अभी आपकी अधिकारी से भी बात करवाई, उनका कहना है कि यह सफाई इसी तरह से आने वाले समय में भी चलती रहेगी। तो देखना यह है कि कितनी सफाई इसी तरह से चलता रहेगा ये अभियान, या सिर्फ एक सीएम के आने के बाद ये यहीं पर बंद हो जाएगा। तो आप देखते रहिए JG News, जुड़े रहिए हमारे साथ।